करनाल की नई अनाज मंडी में न्यू पंचायत आरती एसोसिएशन की एक बैठक आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति धर्मवीर पाढ़ा को प्रधान नियुक्त किया गया है। बता दें कि इस मौके पर पूर्व प्रधान बब्बू द्वारा पहले अपना इस्तीफा दिया गया, उसके बाद न्यू पंचायत अनाज मंडी एसोसिएशन की ओर से सर्वसम्मति से धर्मवीर पाढ़ा को प्रधान नियुक्त किया गया। न्यू पंचायत आरती एसोसिएशन के विनोद गोयल ने बताया कि हमारी एसोसिएशन भारतीयों के हित के लिए हमेशा कार्य करती रहती है और हर वर्ष प्रधान पद के लिए चुनाव करवाए जाते हैं ताकि प्रशासन से तालमेल बनाकर मंडी का कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके। वहीं धर्मवीर पाढ़ा ने कहा कि वह आढ़तियों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा कार्य करेंगे। हम आपको बता दें कि न्यू पंचायत आढ़ती एसोसिएशन करनाल अनाज मंडी के अलावा अन्य सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है और समस्याओं का जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर समाधान करवाया जाता है। वहीं इस मौके पर नए प्रधान का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। चल मैं बोलता हूँ, आज हमारी न्यू पंचायत अनाज मंडी की करनाल में एक मीटिंग हुई जिसमें के नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें श्री बेअंत सिंह बब्बू जो हमारे पूर्व प्रधान थे उन्होंने अपनी और अपने कार्यकारिणी का इस्तीफा सौंपा। उसमें श्री गजय सिंह चौधरी गजय सिंह कुंडू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया और उसके बाद उन्होंने मंच का संचालन मैंने किया और उसके बाद नया चुनाव कराया गया। इस्तीफा देने के बाद सभी सर्वसम्मति से श्री धर्मवीर जी को नया अध्यक्ष न्यू पंचायत अनाज मंडी का चुना गया है। धर्मवीर पाढ़ा उनका नाम श्री लेखराज गर्ग जी ने प्रस्तावित किया। वह श्री बब्बू जी जो हमारे पूर्व प्रधान हैं बेअंत सिंह जी उन्होंने अनुमोदन किया और लाला पाली राम जी जो चैपाल जी हमारे संरक्षक हैं उन्होंने अनुमोदन किया। इस तरह से हमारी पंचायत का गठन हुआ और श्री धर्मवीर जी जुझारू आदमी हैं और कई पार्टियों से जुड़े हैं। अलका संघ के प्रधान है। मैं चाहता हूँ कि वो मंडी की सेवा करें और अपने हर समय लोगों के साथ मिलकर कार्य करें। सब ये समर्पित आरती भाई हम मेरे पे एक जिम्मेवारी सौंपी है, इसको मैं पूर्ण रूप से पूरे विश्वास के साथ पूरे कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाऊंगा। मंडी में ज़्यादा दिक्कत समस्या होती है उठाने की और बार जमने की, उसकी पूरी कोशिश रहेगी किसी भी आरती को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना आवे। तो सर्वसम्मति से चुना गया है और सभी मेरे साथ, सभी को मैं साथ लेकर चलूंगा, किसी भी आरती को परेशानी नहीं आओगी। कितने दिन के लिए चुना गया? एक साल के लिए कार्यकाल, एक साल कार्यकाल, एक साल के लिए होता है मंडी का, एक साल के लिए ही चुना गया। और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं ये देना चाहूँगा, प्रशासन भी के साफ सफाई उन्होंने कह दिया है, जिसी साहब बड़े ईमानदार हैं, दो बार पीछे मंडिया में एक दो बार झगड़े हुए हैं, इस बार वह अलग डिपार्टमेंट के आदमी बिठाओगे, कोई भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, हम भी पूरे सख्त रहेंगे, कोई भी अधिकारी है ना किसी आदमी को परेशान ना करें, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो। थैंक यू। पंचायत का गठन हुआ है, इसमें सारी मंडी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज की पंचायत का कार्यकारी अध्यक्ष मेरे को बना गया। विनोद गोयल जी ने इसकी कार्रवाई चालू की है और धर्मवीर पाढ़ा जी को हमने सर्वसम्मति से आज अपना प्रधान चुना है एक साल के लिए। प्रधान का गठन किया है, वो श्री सहमति से सारों की मंडी वाले आढ़ती भाइयों की सहमति से हमने धर्मवीर पाढ़ा जी को अपना प्रधान चुना है और हम तो इनको शुभकामना देते हैं, ये अपना अच्छा कार्य करे और मंडी सभी आढ़तियों को भाइयों के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक